और यहाँ की एक और बड़ी खबर दमोह से, यहाँ पर एक बार फिर जन सुरक्षा योजना का मजाक उड़ाया गया है। मामला है बेल फेरी गांव का, जहाँ पर एक गरीब किसान की पत्नी ने दस नहीं दिया एक बच्चे को। मंगलवार को बसरिया अस्पताल में प्रसव के बाद गंभीर हालत में प्रसव किया होने के बाद गंभीर हालत से जिला अस्पताल रेफर किया गया महिला को, लेकिन रात से नहीं महिला विद्या रानी ने बस में ही बच्ची को जन्म दिया। वही जननी सुरक्षा योजना के तहत महिला को कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई गई। अस्पताल की नर्सें बस में महिला को देखने तक नहीं पहुंची। हालांकि सिविल सर्जन आर जी श्रीवास्तव की पत्ता के बाद नर्सें बस में गई और महिला और नवजात बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराई। और आपको दमोह से बता रहा है, यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना की एक बार फिर से पोल खोली है। मामला बेल फेरी गांव का है, जहाँ पर एक महिला को प्रसव क्रिया के बाद अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसे दमोह से रेफर किया गया और बस में उसे ले जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं थी। कोई भी सरकारी मदद जो कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती है, उस महिला को नहीं उपलब्ध कराई गई अस्पताल की ओर से, स्थानीय अस्पताल की ओर से, और इस महिला ने बस में ही बच्ची को जन्म दिया। एक बार फिर से जननी सुरक्षा योजना में पोल खुली दमोह, दमोह का बेल फेरी गांव। हमारे संवाददाता है अगर राजेंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ। अगर यहाँ एक बार फिर से दमोह के बेल फेरी गांव में ये मामला देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद किसी दूसरी जगह रेफर किया जाता है और वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। कोई बहन नहीं, कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया गया अस्पताल तक पहुँचने के लिए। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो जो कि आकर वैन उपलब्ध क्यों नहीं हो सकती, क्यों कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया, डॉक्टर क्या कहते हैं, जबकि आमतौर पर हर एक अस्पताल में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वाहन उपलब्ध कराया जाए। आपको बता दें, इस मामले बसरिया स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी मानी जा रही है। बसरिया स्वास्थ्य केंद्र की बहन ऐसी कहीं और गई हुई थी, जिला मुख्यालय फोन करके जिला मुख्यालय से ही बहन का इंतजाम कर सकते थे, क्योंकि जिला मुख्यालय से 24 घंटे एक कैंप को उपलब्ध रखने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं किया गया। यानी गरीब लोगों के मामले में, गरीब किसानों के मामले में तो आप जहाँ कमला निश्चित रूप से बेहद लापरवाही बरतता है। इसी का लक्ष्य है एक जननी को बस में रखा हुआ और बच्चे को जन्म देना। तो वसुधी आपका कल राजेंद्र जैन खबर जानकारी।